प्रणाम नील भाई, जैन योग के माध्यम से हम पूज्यपाद देवानंदी विरचित योग शतक समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी इस समाधि शतक में समाधि किस तरह से प्राप्त हो सके इसके लिए मार्गदर्शन देते हैं। हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया था, आज उसी श्रृंखला में हम थोड़ा गहन विचार करेंगे। कुछ बात हम थोड़ी पुनरावर्तन करेंगे जिससे जो बात कही गई है उसको थोड़ा ज्यादा विशेष समझ करके आगे चलेंगे। 17वीं गाथा में दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक कहा था कि बहिर्वाचम, बाह्य वाणी का, और अंतर जल्प, हमारे अंदर जो वाणी है उसको अशेषतः संपूर्ण रूप से त्यक्त्वा, त्याग करके। वाणी के दो स्वरूप की चर्चा पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ करते हैं। कहते हैं कि एक वाणी जो हम बोलते हैं, ध्वनि स्वरूप है, उच्चारण स्वरूप है, वो वाणी उसको त्यक्त्वा, उसको छोड़ करके, और अंतर जल्प, अंदर जो वाणी हमारे अंदर विचार रूपी एक वाणी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, उस अंतर्जल्प को भी संपूर्ण रूप से त्याग करना है। बहिर्वाणी, बहिर्जल्प या बहिर्वाच, बाह्य वाणी वाक्य, उसको त्यागने के लिए कुछ चाबियां हमें यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी दर्शाते हैं। कहते हैं कि जब आप विषयों से इंद्रियों का संपर्क तोड़ देते हैं और संबंधों को भी आप कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए बंद कर देते हैं, तो वहां वाणी, वाणी का प्रयोग अपने आप रुक जाता है। वैसे देखा जाए तो जब हमारी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती है और व्यक्तियों या समाज या परिवार के बीच जब हम होते हैं तो व्यवहार के लिए हम वाणी का प्रयोग करते हैं। जब वाणी का प्रयोग करते हैं तब केवल वाणी का प्रयोग नहीं होता है, वाणी के प्रयोग के साथ साथ हमारे अंदर पड़ी हुई वासना का भी उसमें उपयोग होता है। ये इस तरह की बात है कि हम वासना के वाहन पर बैठ करके वाणी के द्वारा व्यवहार करते हैं। वासना एक वाहन यानी एक यान है, उसमें हमारे विचार आरूढ़ हो जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, और इंद्रियों के द्वारा जब समाज के बीच में हम होते हैं तो वाणी के रूप में प्रस्फुटित होते हैं। तो हमारे जो विचार वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर पड़े हुए वासनाओं के और राग द्वेष के संस्कार भी जुड़ जाते हैं। ये जो बात हुई वो केवल बहिर्जल्प की बात है या बहिर्वाच की बात है। बहिर्वाच को रोकना भी कठिन है। जब हम अकेले में होते हैं, कोई होता नहीं है, तो हम बोले बिना लंबे समय तक रह नहीं सकते, इसलिए फोन से दूसरों के साथ बात करने लगते हैं, या हम घर से बाहर निकल करके किसी को मिलने चले जाते हैं और वाणी का प्रयोग करने लगते हैं। जितना वाणी का प्रयोग होता है उतने ही हमारे अंदर विचारों की धारा तेज बहने लगती है। तो मौन करने की बात हमारे वहां शास्त्रों में बताई गई कि मौन एक बहुत बड़ी साधना है। जब तक हम मौन नहीं करते हैं तब तक हमें अंदर, हमारे अंदर उतरने का, मतलब स्व के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है। बड़ी आवाज करके बोलना या बोलते हुए अपने आप को
पहचानना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जब साधक साधना के लिए प्रयुक्त तो होता है, तैयार होता है, तो उनके लिए ये कहा गया कि हमें मौन करना चाहिए, वाणी को संपूर्ण रूप से स्थिर कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। तो मुंह बंद कर देने से, वाणी का प्रयोग बंद कर देने से हम बाह्य संपर्क से मुक्त होने लगते हैं। बाह्य जो भी हमारे परिचित जन है या व्यवहार है वो रुक जाता है उस समय। तो जब वो रुकता है तो हमारी शक्ति का भी संचय होता है, शक्ति का व्यय रुक जाता है। इसलिए कहा गया कि मौन करने से शक्ति का संचय होता है। और आपने बड़े बड़े महापुरुष और बड़े व्याख्याताओं को देखा होगा कि वो पूर्ण एक दिन सप्ताह में पूर्ण रूप से मौन धारण करते हैं। मतलब पूर्ण रूप से मौन धारण करते वक्त वो अपने आप में शक्ति का संचय करते हुए पाए हैं या अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर शक्ति का संचय हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मौन शक्ति के संचय की एक प्रक्रिया है। और बाह्य जगत के साथ हमारा जो व्यवहार है वो कुछ अंश तक रुक जाता है, और जब रुकता है तो हमें अंदर प्रवेश करने का एक मौका मिलता है। तो ये मौन साधना को बड़ी साधना कही है। लेकिन मौन साधना करने से सारी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती है। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती है कि मौन आपने धारण कर लिया तो कुछ अपने मन के आवेगों को, मन के आवेश को, राग द्वेष के प्रस्तुति को आप रोक सकते हैं। लेकिन उसकी प्रस्तुति रुक जाने से अंदर जो पड़े हुए राग द्वेष के संस्कार, वासना और हमारे बोलने के भाव यानी विचार, वो रुकते नहीं है। विचार अंदर चालू होते हैं, वासनाएं अंदर पड़ी हुई होती है और राग द्वेष भी पड़ा हुआ होता है, तो वो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। इसलिए जब मौन टूटता है या मौन की साधना समाप्त होती है और सम्यक रूप से मौन की साधना नहीं की होती है तो वो मौन केवल एक प्रकार से आपने अपने वाणी को विराम दिया था, लेकिन अंदर के जो भाव है, विचार है, उसका वहाँ स्थिरीकरण नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से अधिक तीव्र वेग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो मौन करने का मतलब है कि अंदर जाने की प्रक्रिया और उसका सम्यक रूप से विचार करते हुए मौन करना, तो उसके द्वारा हमारे अंदर एक प्रवेश करने की क्षमता बढ़ती है। तो दूसरा चरण है मौन का कि अंदर जो विचार पड़े हुए हैं उस विचार को भी विराम देना। तो विचार है वो अंतर जल्प है, आंतरिक वाणी है, वहां शब्दोच्चारण जैसा उच्चारण नहीं है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा विचारों का प्रवाह तीव्र वेग से बहता रहता है। उस विचारों के वेग को, आवेग को हमें समझना चाहिए। जैसे जैसे हमें ये समझ में आने लगेगा कि विचारों का एक तीव्र प्रवाह मन के अंदर बहता है, बहुत पुरानी एक बात है, इस समय मुझे याद आ रही है कि परमात्मा महावीर जब विचरण कर रहे थे तब राजगिरी नगरी के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक माली, बहुत अजीब माली था। वो माली हर रोज एक यक्ष के मंदिर में जाता था और यक्ष की पूजा करता था। ये माली का नाम अर्जुन था, तो लोग उसको अर्जुन माली कह करके पुकारते थे। ये माली का हर रोज का क्रम था कि वो सुबह और शाम जंगल में जाकर के बहुत अच्छे पुष्प इकट्ठा करके यक्ष की पूजा करता था। कई दिनों ये पूजा चली, ये परंपरा उनके दादा परदादा से चली आ रही थी। यक्ष उनके कुल के देव थे, कुल देव थे, तो उनकी पूजा हर रोज होती थी और अर्जुन माली को भी उसमें बहुत आनंद आता था और एक भी दिन छोड़ता नहीं था। ये प्रक्रिया चलते हुए उनकी पत्नी भी उनके साथ आने लगी। तो ये पति पत्नी हर रोज यक्ष मंदिर में जाकर के पूजा करते थे। पत्नी सुंदर थी और युवान, दोनों युगल युवान थे, और इनको युवती को, ये अर्जुन माली की पत्नी को देखकर कुछ युवानों के मन में उसके साथ
गलत काम करने का विचार आ गया, तो उन लोगों ने पहले देखा कि अर्जुन मालिक कब आता है, क्या करता है, कैसे करता है। तो उनके शाम को आने का वक्त था, तब छह युवान वहां करके मंदिर में छिप गए। और जब अर्जुन मालिक उनकी पत्नी के साथ आया, आकर के पूजा करता है, तो उस वक्त अर्जुन मालिक को पकड़ करके रस्सी से बांध दिया मंदिर में बांध करके उसके सामने ही उनकी पत्नी के साथ वो छह लोग व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं। तो उस समय अर्जुन मालिक उनको देख करके चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो तुम, ये गलत काम कर रहे हो, मंदिर में ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। जब वो उसको रस्सी से बहुत जोर से बांधा गया था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तब उसने यक्ष के सामने देख करके कहा कि क्या आप में कोई सत्व नहीं है, आपके परम भक्त के पत्नी के साथ इस प्रकार व्यभिचार हो रहा है और आप चुप रहे। वो जो सारी बातें, जब वो चिल्लाना बंद हो गया, चिल्लाने से कुछ हुआ नहीं, तो मनोमन ये यक्ष को कोसने लगा, वो उसको कहने लगा कि आप मेरे सामने, आपके सामने इस प्रकार से व्यभिचार होते हुए किस कैसे चुप रह सकते हो। और बहुत तीव्र ये भाव अंदर से पैदा हुआ, बहुत तीव्र भाव पैदा हुआ। तो ये जो अंदर जो विचार की धारा चल रही थी, उसी को अंतर्जल्प कहते हैं। ये अंतर्जल्प हमारे अंदर, मतलब बाहर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाहर की प्रवृत्ति चल रही है नहीं चल रही है, वो कोई मायना नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे अंदर इस प्रकार की वाणी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, और हम जब सो जाते हैं तब भी ये प्रवाह तो चालू ही होता है। तो इस प्रवाह को रोकने की बात कह रहे हैं कि त्यजेद अंतर अशेषतः, अंदर जो जल्प है, अंदर वाणी का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, जो उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अब क्यों रोकने की बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो अर्जुन माली जब अंदर अपने यक्ष को वो एकदम बोलने लगता है मननी मन कि क्या कर रहे हो आप, तब भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, और एक के बाद एक युवान अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार करते हुए देखकर उसके अंदर तीव्र आवेग पैदा हुआ, जो विचारों के कारण, जो विचार उनके अंदर चल रहे थे वो कॉन्सेंट्रेट होते गए, तीव्र बनते गए। तो इतनी तीव्रता पैदा हुई कि उसके सारे बंधन टूट गए। उसने खुद ने इतनी जोर से बंधन तोड़ने की कोशिश की और इतनी शक्ति अंदर से पैदा हुई कि वो बंधन टूट गए। और वहां जो यक्ष के हाथ में एक गदा थी, मुदगर था, उस मुदगर को उठा करके एक के बाद एक छह युवानों को उन्होंने मार डाला। उसके बाद पत्नी बची हुई थी, तो पत्नी को देखकर उनके मन में आया कि ये छह लोगों ने मेरी पत्नी के साथ व्यभिचार किया है, और अब मैं जब भी उनको देखूंगा तो मुझे वही बात याद आएगी कि ये तो मतलब अग्राह्य बन चुकी है, उनके साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया है, तो वो बात मेरे मन में हमेशा खटकती रहेगी। इसलिए उसके मन में जो तीव्र द्वेष था, उस तीव्र द्वेष के कारण पत्नी की भी हत्या कर ली। ये यहाँ बात बताना चाहते हैं कि अंतर जल्प, जो अंदर एक जल्प, अंदर वाणी का प्रवाह जो चल रहा है, वो इतना जीवन पर प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभाव डालता है कि आपको पता नहीं रहता है, और धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करता जाता है। उस अंतर्जल्प को रोकने की बात करें, अब अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, बहिर्जल्प रोकना आसान है, बहिर्वाचम शब्द से यहाँ कहा कि बहिर्वाचम यानी बाह्य वाणी। आप अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाओ और शांति से बैठो, तो आप दूसरे के साथ वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब बाह्य वाचन मतलब बाहिर वाणी का प्रयोग समाप्त हो जाता है। लेकिन अंतर्जल्प तो चालू ही है, अंतर्जल्प चालू होने के कारण हम मनोमन अंदर ही अंदर अलग अलग प्रकार की कल्पना, अलग अलग प्रकार की स्मृति, और उसके द्वारा हम विचारों के प्रवाह में बहने लगते हैं कि
ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, अब मैं उसको ऐसा बता दूंगा, ये मैं फोन करके उनको बोल दूंगा, इस प्रकार के विचारों की धारा निरंतर बहती रहती है और इसलिए हम स्व में अंदर नहीं उतर पाते हैं। स्व में नहीं उतर पाने का ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी हमें दर्शा रहे हैं कि हम अंदर इसलिए नहीं उतर पा रहे हैं कि हमारा अंतर्जल्प चालू है, अंतर्जल्प को भी रोकना है, त्यक्त्वा कहा है, त्याग करके जो अपने अंदर उतरता है तो वो परमात्मा को पाता है। वो परमात्मा कैसा, प्रदीप स्वरूप है। प्रदीप यानी जिस प्रकार से दीपक प्रकाश फैलाता है उसी तरह हमारे अंदर परमात्मा का प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है या अनुभव होने लगता है कि अंदर जो एक बहुत बड़ा प्रकाश है, अंदर एक बहुत बड़ा समुद्र है आनंद का, शांति का, सुख का, वो आज तक हमने कभी भी अनुभव नहीं किया, उसका अनुभव होने लगता है। तो उस अनुभव के लिए ये दो प्रकार की वाणी का त्याग करने की बात यहाँ कही है। तो वो किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम बहिर्वाचम और अंतर्जल्प दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, उस पर विजय पाने की कोशिश करते हैं, तो किस मार्ग से जाना चाहिए। तो बाह्य वाचन मतलब कि बहिर्वाणी का, बाह्य वाणी का प्रयोग करना, प्रयोग छोड़ना, वो तो बहुत आसान है कि आपने मौन धारण कर लिया, आपने एक नियम बना लिया कि सप्ताह में एक बार मौन धारण करूंगा, या आपने निर्णय कर लिया कि दिन में एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा मौन रखूंगा। जब आप मौन रखने का संकल्प कर लेते हैं तो बहिर्वाचन बाह्य वाणी का शब्द प्रयोग का आप वहां नियम कर लेते हैं और बोलते नहीं है। तो उस समय दरमियान कोई भी निमित्त बनता है तो उस निमित्त से आप बच जाते हैं, लेकिन अंतर्जल्प अभी भी चालू है, इसलिए वो अंतर्जल्प विचारों का प्रवाह जो चालू है उसको रोकने की बात सम्यक रूप से होनी चाहिए। तो आंतरिक मौन, बहिर्मौन एक प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अभ्यंतर मौन, आंतरिक मौन, वो किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने की क्या दिशा है, कि किस मार्ग से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यन मया दृश्यते रूपम, 18वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी बताते हैं कि यन मया दृश्यते रूपम तन न जानाति सर्वथा। अब विचारों के द्वारा, वास्तविकता के द्वारा किस प्रकार से हम बहिर्वाणी का, बहिर्वाचन का स्थिर कर दे सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम स्थगित कर सकते हैं, उसकी बात करें कि यन मया, जो मेरे द्वारा इस संसार में मैं जो देख रहा हूं, दृश्यते रूपम याने वस्तु पदार्थ तन्न जानाति सर्वथा, क्या मैं जो देख रहा हूं उसको मैं सर्वथा जान सकता हूं। ये पहला प्रश्न पूज्यपाद देवानंदी जी साधक के कहते हैं कि आप अपने आप को पूछो कि आप जो देख रहे हैं उसको आप सर्वथा जान सकते हैं या नहीं। पदार्थ को सर्वथा जानना बहुत ही कठिन है, उस बात की यहाँ प्रतीति कराते हैं कि कोई भी पदार्थ, वो उस पदार्थ को हम सर्वथा कभी भी जान नहीं सकते। सर्वथा यानी समग्र रूपेण, समग्र रूपेण मतलब जो पदार्थ जैसा है वैसा, उसके सभी गुण धर्मों को, उनके सभी स्वरूप को जान लेना, वही सर्वथा ज्ञाता, सर्वथा ज्ञाता भाव या सर्वथा ज्ञान वो कहा जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को सर्वथा जान सकते हैं या नहीं। हम जो देखते हैं वो भी पूरा नहीं देख पाते हैं, जो देखते हैं वो देखते ही नहीं है, हमारे विचार जैसे हैं, उस विचार के यान पर, विचार की कार में, विचार की गाड़ी में बैठ करके हम पदार्थ को देखते हैं, इसलिए हमारे विचार जैसे हैं वैसा ही रूप हमें पदार्थ का दिखाई देता है। पदार्थ का जो वास्तविक रूप है, पदार्थ जैसा है वैसा हम देख नहीं पाते हैं,
हम जैसे विचार, जिस विचार से, जिस विचार के वाहन में बैठ करके देखना चाहते वही हम देखते हैं, मतलब कि हमारे वैचारिक स्वरूप पदार्थ में प्रतीत होता है। यानी कि जब हमें कोई पदार्थ प्रिय है तो हमें उसकी प्रियता का बोध होता है, और उसी पदार्थ को जब दूसरा आदमी देखता है और उसके मन में उस पदार्थ के प्रति अप्रियता का बोध है तो उनके लिए वो पदार्थ अप्रिय दिखाई देता है। अब पदार्थ स्वयं न प्रिय है न अप्रिय है, पदार्थ में न प्रियता है न अप्रियता है, लेकिन एक ही पदार्थ एक के लिए प्रिय बन जाता है, एक के लिए अप्रिय बन जाता है। वो क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वयं पदार्थ के सभी धर्मों को जान नहीं सकता है। कैमरा का दृष्टांत ले, कैमरा कुछ हम लोगों से ज्यादा ग्रहण कर लेता है, ज्यादा ग्रहण करने की उनमें क्षमता है, पदार्थ जैसा है वैसा वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कैमरा की भी एक मर्यादा है कि वो जितना फोकसिंग कर सकता है उतना ही उसके फोटो को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके विपरीत जो दिशा है उसमें जो पदार्थ का स्वरूप है उसको कैमरा कैच नहीं कर सकता है, उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। तो कैमरा भी पदार्थ के कुछ ही एंगल को पकड़ सकता है, सर्वथा पकड़ नहीं सकता है। कोई बहुत चतुर आदमी हो, ज्ञानी हो, कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो वो पदार्थ के कुछ अधिक गुण धर्मों को पकड़ लेता है, लेकिन सर्वथा नहीं पकड़ पाता है। तो कहते हैं कि यदि मेरे द्वारा देखा गया पदार्थ साधक स्वयं चिंतन करते हुए अपने आप के अंदर ये बात करता है, स्वयं चिंतन करता है कि क्या मेरे द्वारा जो पदार्थ दिखा जा रहा है वो पदार्थ क्या मैं सर्वथा जान सकता हूं। यदि मैं सर्वथा नहीं जान सकता हूं, सर्वथा नहीं जानने का कारण बहुत सारे कारण है, जिसके कुछ कारणों की चर्चा हमने पिछली बार कही की थी। पिछली बार हमने देखा था कि एक तो हमारी मति की मर्यादा है, मतलब हमारी बुद्धि की मर्यादा है, हमारे ज्ञान की मर्यादा है, हमारी इंद्रियों की भी मर्यादा है। जिस तरह से कैमरा की मर्यादा है उसी तरह हमारी इंद्रियों की भी मर्यादा है। इंद्रियां वही पदार्थ को देख सकती है जहां पदार्थ और इंद्रियों का संपर्क होता है। पदार्थ के संपर्क जो जिस प्रदेश में संपर्क होता है उतना ही पदार्थ का स्वरूप इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन विपरीत तरफ मतलब उसकी उल्टी तरफ जो पदार्थ का स्वरूप है वहां इंद्रियां पहुंच नहीं पाती है, इसलिए पदार्थ का वो स्वरूप इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो इंद्रियां कुछ ही पदार्थ के कुछ ही अंश को ग्रहण करती है, एक बात। दूसरी, हमारी मति सीमित है, बुद्धि सीमित है और ज्ञान भी सीमित है। जैसे हम एक कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े को और देखते हैं तो कपड़े के स्वरूप को कुछ ही अंश तक हम समझ पाते हैं, लेकिन कपड़ा बनाने वाला या मिल मालिक जब कपड़ा खरीदने जाता है तो उनको ये पता है कि ये किस सूतर से बना है या किस धागे से बना है, उसका कितना क्या स्वरूप है, कितना टिकेगा, वो अनेक बातों को पकड़ लेता है, हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो हमारी मति की मर्यादा वहां सिद्ध हो गई। वो कापड़ का व्यापारी या कापड़ बनाने वाला व्यक्ति भी वहां इतना नहीं ग्रहण कर पाता है जितना पदार्थ में गुणधर्म है, वो तो कुछ ही गुणधर्म को पकड़ता है। पदार्थ में तो अनंत धर्म है, अनंत धर्मात्मकम एव वस्तु, ये यहाँ रूपम शब्द ग्रहण करके पूज्यपाद देवानंदी जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही है कि वस्तु के अनंत धर्म में से हमारी मति और इंद्रियों की मर्यादा के कारण, ज्ञान की मर्यादा के कारण, ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हम पदार्थ के अनंत धर्मात्मकता होने पर भी कुछ 10, 15, 20, 25 धर्मों को ही जान सकते हैं। एक तरफ अनंत धर्म है, दूसरी तरफ हम उसके कुछ ही धर्म को जान सकते हैं। और हम जब कुछ ही धर्म को जान सकते हैं तो क्या हम पदार्थ के लिए कुछ बोलने के लिए सक्षम है या बोल सकते हैं? ये प्रश्न पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं साधक को कि आप अपने आप को पूछो कि क्या मैं पदार्थ को सर्वथा जान सकता हूं। यदि नहीं जान सकता हूं, मतलब जवाब हम
हमारा नाम ही आएगा कि पदार्थ में अनंत धर्मात्मकता है, यानी अनंत धर्म है, और हमारी मति बुद्धि इंद्रियां और ज्ञान की मर्यादा के कारण हम पदार्थ के कुछ ही अंशों को, कुछ ही धर्मों को जान सकते हैं, तो क्या हमें पदार्थ के विषय में बोलने का अधिकार है? ये दूसरा प्रश्न साधक स्वयं को पूछे कि क्या पदार्थ के विषय में बोलने का अधिकार है। आप कभी कोर्ट में गए होंगे, वहां न्यायाधीश होते हैं, वादी प्रतिवादी, पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष की अपनी सिद्धि के लिए एक साक्षी ले आते हैं। साक्षी वही साक्षी बन सकता है जिसने पूरा वो घटनाक्रम को देखा हो, पूरी घटनाक्रम जिसने नहीं देखी है वो साक्षी नहीं बन सकता है, साक्षी वही बन सकता है जिसको पूरी घटनाक्रम का बोध है। तो घटना, पूरी घटनाक्रम का मतलब है कि आदि से अंत तक की सभी घटनाओं का जिनको बोध है, वही बात यहाँ अप्लाई करनी है कि क्या हम पदार्थ के स्वरूप को साक्षी के रूप में संपूर्ण रूप से ग्रहण कर सकते हैं? नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो हम साक्षी नहीं बन सकते हैं, उसके ज्ञाता नहीं है, और ज्ञाता नहीं है तो फिर बोलने का मतलब वैसे साक्षी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो वैसा ही आध्यात्मिक जगत में यहाँ कहते हैं कि तो हमें फिर पदार्थ के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। पहली बात कही कि यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, हम सर्वथा उसको जान नहीं सकते। जानन्न दृश्यते रूपम, अब जो जानने वाला है वो उसका रूप तो हमें दिखाई नहीं देता है, जो जानने वाला है आत्मा, आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। यन जानन, जो जानने वाला है, न दृश्यते रूपम, उसका रूप दिखाई नहीं देता है, मतलब आत्मा का हमें बोध ही नहीं है, आत्मा के अस्तित्व का भी हम कई बार तो भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा है हमारे अंदर, वो भी भूल जाते हैं। हम तो देह के स्तर पर जीते हैं, देह के स्तर पर जी करके हम आत्मा की बात करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी दुविधा है। इसलिए पूज्य पाद देवानंदी जी कहते हैं कि यदि आप अपने अपनी खुद को भी नहीं जान रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलूं। साधक अपने आप के अंदर ये प्रश्न करेगा कि मैं क्या बोलूं, पदार्थ को तो जान नहीं सकता हूं और जो जानने वाला है उसको भी नहीं जान रहा हूं, तो मैं बोलूं किसके साथ, क्या बोलूं? पदार्थ जिसके मुझे बोध ही नहीं है उसके विषय में बोल नहीं सकता हूं, और जो जानने वाला है उसको मैं बता नहीं सकता हूं, तो बोलने का मतलब ही नहीं है। ये एक तात्विक विचारणा करके उन्होंने बहिर्जल्प, बहिर्वाणी, बहिर्वाचम, उस पर एक बहुत बड़ा विवेक ला करके उस पर विजय लाने की बात की कि भाई बहिर्जल्प जहां जरूर है, जितना जितने से व्यवहार चल सकता है उससे अधिक वाक्य का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग भी आप वाणी का व्यर्थ दुरुपयोग कर रहे हैं। वाणी का प्रयोग, वाणी की शक्ति मिली है आपको, आगे बताएंगे पूज्यपाद देवानंदी जी कि हमें जो वाणी का प्रयोग करने का एक अवसर मिला है तो उसको उपयोग कैसे करना चाहिए, उसको व्यर्थ में गंवानी चाहिए या सार्थक रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। यदि हम वाणी का यद्वा तद्वा जैसे तैसे उपयोग करते रहते हैं तो वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वाणी का हम हमेशा दुरुपयोग करके जो अवसर मिला है उसको अपने हाथ से गवाते हैं। तो उसको रोकने के लिए कहा कि पदार्थ के स्वरूप को तो मैं जान ही नहीं सकता हूँ, सर्वथा नहीं जान सकता, और जिसका मैं संपूर्ण रूप से जान नहीं सकता हूँ उसका प्रयोग करने का मुझे अधिकार नहीं है, और जिसको मैं बोध कराना चाहता हूँ उसको भी मैं नहीं जानता हूँ, तो उसके लिए भी वाणी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ततः केन ब्रवीमियाम, तो मैं किसके साथ बातचीत करूँ, जो जानने वाला है उसको जान नहीं रहा हूँ और जो जान रहा हूँ वो उसको पूर्ण रूप से नहीं जान रहा हूँ, तो वाणी का प्रयोग करना, बातचीत करना वो निरर्थक है, उसको मैं मुझे छोड़ना चाहिए। तो इंद्रियों का प्रयोग जो वाणी के लिए हम करते हैं उसमें भी संयम लाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखी है पूज्यपाद देवानंदी जी ने कि पदार्थ के स्वरूप को यदि आप संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं तो उसको बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे चलकर कहते हैं कि यत परे ही प्रतिपाद्यो अहम,
यत् परान् प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यद् अहम् निर्विकल्पकः। अब कहते हैं कि भाई ठीक है, आप समाज में रह रहे हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, व्यवहार चलाना है, सुबह उठ करके रात सोने तक कई कार्य करने हैं, उसमें वाणी का प्रयोग तो करना ही पड़ता है, तो उस समय भी हमारा विवेक जागृत हो जाए तो हम अपने आप को बहुत कुछ संयमित कर सकते हैं, अपने आप को बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ ये जो कह रहे हैं कि दूसरे लोग मुझे उपदेश दे रहे हैं, यानी मुझे कुछ बता रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई बार मैं दूसरे को उपदेश देता हूं। कहते हैं यत् परे ही प्रतिपाद्यो अहम्, अहम मैं दूसरों के द्वारा उपदेश देता हुआ पाया जाता हूं। मतलब लोग, दूसरे लोग मुझे उपदेश देते हैं, दूसरे लोग मुझे समझाते हैं, दूसरे लोग मुझे कहते हैं कि ये करो ना, ये ना करो, ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसा करना उचित नहीं है, इस प्रकार से हर एक चीज में मुझे उपदेश देते हैं। और जब मैं कुछ जानने लगता हूँ तो मैं दूसरे को कहने लगता हूँ कि भाई तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम जरा धीरे कार चलाओ, आप मतलब ड्राइव नहीं कर रहे हो, ड्राइवर के पास में बगल में बैठे हैं, और ड्राइवर मतलब बच्चा या आपका भाई या बहन कोई कार चला रहा है या चला रही है, तो आप बार बार कहते हैं कि आप धीरे चलाओ, आप ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। तो यत् परान् प्रतिपादये, मैं दूसरे को प्रतिपादित करता हूँ वो ठीक है या नहीं है। मतलब मैं जब दूसरे मुझे उपदेश दे रहे हैं तब मैं मेरी स्थिति, और मैं जब दूसरे को उपदेश दे रहा हूं तो वो स्थिति में मेरी मानसिक स्थिति, मेरे मन के भाव कैसे होते हैं, ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम दूसरे के द्वारा उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, जब मुझे कोई सिखा रहा है तो मैं उस समय सीख रहा हूं तो मेरे मन में क्या भाव पैदा होने चाहिए या कैसे भाव होने चाहिए, और जब मैं सीख लेता हूं, मैं बहुत कुछ जानने लगता हूं और दूसरे को जब शिक्षा दे रहा हूं तो वास्तव में क्या परिस्थिति होती है। एक जब शिष्य के रूप में मैं शिष्यत्व ग्रहण करके वस्तु को सुन रहा हूँ, उपदेश को सुन रहा हूँ, तब मेरी स्थिति क्या है, और जब मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूं, मतलब कुछ जान लिया, मैं प्रवीण हो गया, मैं पदार्थ को जानने लगा, तब मेरी स्थिति होती है कि मैं दूसरे को उपदेश दूं, मुझे किसी को सिखाना चाहिए, इस प्रकार से हमारे मन में भाव होता है। तो ये भाव शिष्यत्व का भाव या अध्यापकत्व का भाव, दोनों उस समय मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए, आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, मेरा भाव कैसा होना चाहिए, उसके लिए यहाँ वास्तविकता का बोध कराते हुए कहते हैं। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अहम मैं, मतलब मेरा स्वरूप क्या है, वो यदि आपके बोध में आ जाए, आप उसको समझ लेते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरे स्वरूप का बोध मुझे हो जाए, तो एक अलग स्थिति निर्मित होती है। जब हमने इस स्वाध्याय का प्रारंभ किया था तब एक प्रश्न, जो शाश्वत प्रश्न और मनुष्य जाति का सबसे गहनतम प्रश्न कि मैं कौन हूं, उसकी चर्चा की थी, और उसी की बात यहाँ कर रहे हैं कि हमें खुद को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे मेरा ही पता नहीं है, और मैं शिष्यत्व बन ग्रहण कर लेता हूं या मैं उपदेशक बन जाता हूं, यानी मैं गुरु बन जाता हूं, तो क्या ये उचित है, ये अपने आप को पूछते हैं। और यहाँ ये बात जो पहले हमारे स्वाध्याय के प्रारंभ में ही हमने प्रश्न रखा था कि क्या मैं कौन हूं, वो हम जानते हैं, यदि हम नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ा विसंवाद खड़ा हो सकता है। उस विसंवाद को दूर करने के लिए यहाँ कहते हैं कि यत् परे ही प्रतिपाद्यो हम यत् परान् प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे, ये सब मानना, ये सब करना, उन्मत्त चेष्टितम
उन्मत्त चेष्टितम, यानी जब नशे में जिस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार, वैसा ही मेरा जीवन बन जाता है। मतलब उन्मत्तता दो प्रकार की है। उन्मत्तता का अर्थ है, यहाँ समझ लेना जरूरी है, उन्मत्तता का अर्थ है जैसे शराब पीने के बाद, शराब का जब नशा चढ़ता है और नशा चढ़ने के बाद जिस प्रकार की व्यवहार या चेष्टा हम करते हैं उसी को उन्मत्त चेष्टितम कहा है। तो उन्मत्त चेष्टितम यानी नशा चढ़ने के बाद हमारा व्यवहार जिस प्रकार से विचित्र हो जाता है, मतलब सामने कोई खड़ा है तो हम भूल जाते हैं कि वो मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरे माता है, मेरे पिता है या मेरे परिचित हैं, वो सब भूल जाते हैं। हमारे अंदर जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार की चेष्टा करने लगते हैं। हमारे मन में कुछ बोलने का भाव आया, बोलने लगते हैं, नहीं विवेक कर पाते हैं कि यहाँ ये बात नहीं करनी चाहिए, जो नहीं करने जैसी बात है वो भी करने लगते हैं, जो नहीं करना चाहिए वैसी चेष्टा करने लगते हैं, कभी कभी कपड़े उतारने लगते हैं, कभी कभी नाचने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी बोलने लगते हैं, कभी कुछ गुस्से में आ जाते हैं, कभी कुछ कुछ कर लेते हैं। तो उन्मत्तता की चेष्टा बड़ी विचित्र होती है, यानी कि उस समय विवेक नहीं है, विवेक नहीं होने के कारण विचित्र प्रकार की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो वो उन्मत्त चेष्टितम होते हैं तब वो लड़खड़ाने लगता है, खुद स्वयं उठने बैठ नहीं पाता है, खुद स्वयं चल नहीं पाता है, खुद स्वयं कुछ क्या कर रहा है उसका उसको भी पता नहीं होता है, और वो मानता है कि मैं इस दुनिया का, इस संसार का सबसे सुखी आदमी हूँ। इसीलिए तो लोग जब दुखी होते हैं तो नशा करते हैं, नशा करने के बाद उन्मत्त चेष्टित करने लगते हैं, उन्मत्त चेष्टा होती है तो वो ये मानने लगता है कि हम सुखी हो गए। लेकिन कोई सुखी ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे सुखी होना संभव भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जब उन्मत्त चेष्टितम, उन्मत्त चेष्टा यानी कि नशीली दशा में आदमी विवेकहीन बन करके चेष्टा करता है, क्रिया करता है, उसी प्रकार जब स्वयं का बोध नहीं है, मैं कौन हूं इस प्रकार का बोध नहीं होता है, तब जो चेष्टाएं होती है वो सारी चेष्टा तो नशे में पड़े हुए आदमी की तरह हमारी चेष्टा होती है। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि पहले रुको, आप बहुत बड़े उपदेशक बन जाओ या बहुत बड़े शिष्यत्व प्राप्त कर लो और कहो कि मैं तो बहुत बड़ा स्वाध्याय कर रहा हूँ, अब मेरे जो गुरु है उनके पास बैठ करके स्वाध्याय करता हूँ और बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आती है, इस प्रकार की बात करते हैं। या जब आप कुछ समझने लगते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और आप उपदेश देने लगते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा उपदेश देता हूँ, लोग मेरी बातें सुनते हैं, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि रुको भाई, आप जो कर रहे हैं वो सही है, अपने आप को पूछो, यदि आपको अपना ही स्वरूप का बोध नहीं है और आप उपदेशक बन जाते हैं या आप शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं तो वो सारी चेष्टा, वो सारी क्रियाएं उन्मत्त चेष्टितम, मतलब स्व का बोध नहीं होने पर अच्छी से अच्छी क्रिया भी उन्मत्त चेष्टितम है, यानी कि नशीली दशा में जिस प्रकार से आदमी व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मार्मिक बात कह रहे हैं पूज्यपाद देवानंद जी की, स्व का बोध नहीं होने पर जो भी क्रिया कर रहे हैं, खुद के लिए भी कह रहे हैं, अपने लिए भी कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं कि भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं या बुरे कार्य कर रहे हैं, सब कुछ उन्मत्त चेष्टितम है। सबसे पहले तो स्व का बोध अत्यंत आवश्यक है, हम क्या है उसको जानने के लिए यदि हम स्वाध्याय करते हैं, जानने के लिए यदि हम उपदेश देते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन केवल उपदेशक बन जाए और कह दे कि हम बहुत बड़े उपदेशक है या केवल शिष्यत्व प्राप्त करके हम संतोष मानने लगे कि हम बहुत बार स्वाध्याय करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है, आप भी आइए ऐसा आपको भी आनंद आएगा, इस प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ रोकते हैं। पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं भाई रुको, थोड़ा रुक करके अपने आप को पूछो कि क्या आपको अपने स्वरूप का बोध है या नहीं है, क्या
आप स्वयं अपने आप को जान रहे हैं कि नहीं? तो कहते कि भाई पहले तो पूछो खुद को कि भाई क्या है अपना स्वरूप, किस प्रकार से होता है ये अपना स्वरूप, उसको जानने की कोशिश करो। तो अंत में वो बताते कि अपना स्वरूप क्या है, उसको जरा समझो कि संसार जो भयंकर संसार रूपी एक जंगल है, भयंकर जंगल है संसार, एक जंगल है। जंगल इसलिए कहा कि जंगल में जिस प्रकार से घना जंगल है, वहां कोई बने बनाए रास्ते नहीं है, वहां कोई साइन बोर्ड नहीं है, वहां कोई मार्ग भी नहीं है कि आप इस मार्ग से जाओगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, कुछ भी नहीं है, केवल घना जंगल है, वृक्ष से लदा हुआ, और दिन में भी अंधेरा होता है। उसी प्रकार इस संसार में हम दिन में भी मध्याह्न के समय जब सूर्य हमारे मस्तक पर तप रहा है, उस समय भी इस संसार में अंधारा, अंधकार यानी मोह का अंधकार छाया हुआ है। हम देख नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा स्वार्थी है या परोपकारी है। हम स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं, भक्ति से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं, हम कर्म निद्रा से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं, किस लिए क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते, इसलिए अंधेरा है। अंधेरा है इसलिए हम भटकते हैं, जिस प्रकार से जंगल में आम लोग भटक जाते हैं। कोई जंगल में रहने वाला आदमी नहीं भटक पाता है, लेकिन बाकी जितने भी जंगल में जाते हैं वो सब भटक जाते हैं। उसी तरह संसार में जो आता है वो भटक जाता है, यहाँ आकर के एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है, उस अवसर को चूक जाता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो उसमें भटकने का कारण यहाँ अब हमें सोचना है कि ये भटकते क्यों है, संसार में क्यों भटक जाते हैं, जंगल में क्यों भटक जाते हैं। भटकने का एक ही कारण है, और वो कारण है विकल्प। हमारे मन के अंदर विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि इधर जाएंगे तो हमें मार्ग मिल जाएगा, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, हम इधर जाएंगे तो हमें मार्ग मिल जाएगा। तो ये जो अंदर विकल्प पैदा हुआ कि ऐसा करने से ऐसा लाभ हो जाएगा, इस प्रकार के विकल्प, विकल्प के जालों में हम फंसे हुए हैं। आप कभी अपने चित्त का चिंतन करेंगे, चित्त के स्वभाव का चिंतन करेंगे, आंखें बंद करके निष्ठापूर्वक शांत चित्त से चित्त के विचारों, चित्त के स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चित्त तो विकल्प के जालों में फंसा हुआ है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि जिस समय विकल्प उठे ना हो, विकल्प उठते रहते हैं, नए एक विकल्प उठा ना उठा वहां दूसरे और विकल्प शुरू हो जाते हैं, विकल्पों की जाला हमारे अंदर लदी हुई है। उस जाल से मुक्त होने की बात करें कि विकल्प से यदि मुक्त हो जाएंगे तो विकल्प के जालों से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमारी आत्मा को ये पूछना है कि भाई ये विकल्पों, जो चित्त के विकल्पों की जाल है उसमें फंसा रहना है कि उससे मुक्त होना है, वो तेरा स्वरूप है या उससे भिन्न कोई स्वरूप है, विकल्प हमारा स्वरूप है या नहीं है, ये प्रश्न पूज्यपाद देवानंद जी को हमारे द्वारा पूछवाना है कि हमको ये पूछना चाहिए कि ये विकल्प की जालों में रहते हुए जीवन बिताना है या अपने स्वरूप को जान करके जीवन जीना चाहिए। ये दो प्रश्न में से एक के प्रति हमारे अंदर उसके सम्यक उत्तर की प्रतीक्षा या सम्यक उत्तर के खोज करने की बात कर रहे हैं कि आत्मा जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, वह है यानी द्रव्य कर्म यानी जो हम क्रिया करते हैं वो वचन और काया से जो क्रिया करते हैं वो द्रव्य कर्म है, और भाव कर्म जो हम मन से विचार करते हैं, जो हम चित्त में विकल्प करते हैं, वो है क्या है, हम हमारा वो स्वरूप है या उससे भिन्न है कुछ, यानी कि हम विकल्प स्वरूप है या क्रिया स्वरूप है, क्रिया हमारा स्वरूप है यानी कि आत्मा का स्वरूप है, या वाणी हमारा स्वरूप है या विचार हमारा स्वरूप है, क्या हमारा स्वरूप है। जो वाणी है वो वाणी के लिए तो आगे कह चुके हैं कि भाई वाणी है जो हम बोलते हैं, शब्दोच्चारण कर रहे हैं, वो तो भाषा वर्गणा के पुद्गलों का स्वरूप है,
भाषा वर्गणा के पुद्गल को हम अपना मान लेते हैं, हम अपने स्वरूप उसको अपना त्वम आरोपित करके उसी को अपने स्वरूप के रूप में मानने लगते हैं, लेकिन वो तो स्व नहीं है। वर्गणा के पुद्गल, पुद्गल यानी वो निर्जीव है, निर्जीव को सजीव मान रहे हैं, और सजीव मानने की प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है, इसलिए अनंतानुबंधी कर्म का बंद हो रहा है। अब वो जो अनंतानुबंधी बात कर रहे थे हम, क्रोध मान माया लोभ, जिसमें तीव्र क्रोध तीव्र मान तीव्र माया तीव्र लोभ होता था, उससे जो अनंतानुबंधी कर्म होते बंधते थे, वैसा ही एक अनंतानुबंधी कर्म ये मोह की तीव्रता के कारण जो जड़ है, जो पुद्गल है, पुद्गल को अपना स्वरूप मान लेते हैं। मैं बोलता हूं, मैंने बोल दिया, मैंने कह दिया, आप लोग चुप रहे, मैंने कैसा उसको सुना दिया, ये वाणी का प्रयोग करके हम अपने आप को बहुत ही बहादुर, बहुत ही कुशल, बहुत ही चतुर मान रहे हैं, अपनत्व वाणी में अपनत्व का आरोपण कर रहे हैं। वो अनंत काल से चल रहा है, इसलिए जो कर्म बंद होता है वो अनंतानुबंधी कर्म बंद होता है। मोह की तीव्र दशा में ऐसी भावना के कारण जो कर्म बंद होगा वो अनंतानुबंधी कर्म बंद होगा, तो उसमें से मुक्त करने के लिए कहते हैं पूज्यपाद देवानंद जी कि भाई आप पहले पूछो कि भाई क्या है तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप विकल्प वाला है या विकल्प रहित अवस्था वाला है, तुम स्वयं विकल्प हो या विकल्प से रहित हो। तो यहाँ अंत में एक छोटे से शब्द के द्वारा स्व का बोध कराने के लिए कहते हैं कि भाई यद अहम, अहम मतलब आत्मा, मैं कैसा हूं, निर्विकल्प, मैं तो निर्विकल्पक हूं, मैं कोई विकल्प नहीं करता हूं, मैं किसी विकल्प से बंधा नहीं हूं, विकल्प का जाल मेरे आज मेरे अंदर है नहीं, मैं सबसे परम। तो जब विकल्प नहीं होगा तो बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा तो फंसेगा नहीं तो इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा। तो स्व का बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्व का बोध हो जाए, मैं क्या हूं उसका बोध यदि स्वरूप का बोध हो जाए तो बाकी सारी झंझट खत्म हो जाती है। यदि आपको ये पता चल जाए कि मैं निर्विकल्पक हूं, मैं विचारों से पर हूं, कोई भी विकल्प मेरा नहीं है, विकल्प तो कर्म का है, विकल्प कर्म के अधीन होकर होता है, चित्त के अंदर विकल्प होते हैं, वो मेरे नहीं है, वो कर्म के आधार पर बने हुए हैं और उससे कर्म बंद होते हैं, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इन सभी से पर मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है, जो मेरा नहीं है उसमें मैं फंसू क्यों, मैं क्यों उसको पकड़ करके बैठा हूं, जो मेरा नहीं है उसको उसका मुझे त्याग कर देना चाहिए। मैंने पिछली बार एक दृष्टांत दिया था प्याज का, कि प्याज की जो ऊपर के छिलके हैं वो उतारते जाओ एक एक परत हटती जाएगी तो अंदर जाकर के क्या रहेगा, शून्य बचेगा, शून्य वही निर्विकल्पक है। वो हम उसी दृष्टांत को लेकर के स्व पर अजमाना है, स्व पर उसको देखना है कि हमारे ऊपर जो कर्म के आवरण लगे हुए हैं, परतें लगी हुई है, इसलिए हम अपने आप को मैं जीतू भाई हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, वो एक परत ऊपर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी, और फिर वो मेरा स्वभाव बन जाता है। मुझे कोई एक सामान्य व्यक्ति मान ले तो मुझे तुरंत दुख होने लगता है कि आपको मेरा परिचय नहीं है, मुझे जानते नहीं हो, आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। ये सारे कर्मों के कारण ये विकल्पों के जाल में फंस जाते हैं। उसको उतारो, मतलब मैं उतार दूं कि मेरा वो जो पद है प्रोफेसर का, पढ़ाने का, उपदेशक का, वो सब व्यर्थ है, निरर्थक है। मेरा ऐसे उतारते 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 मैं नाम पर आऊंगा कि नाम भी काल्पनिक है, नाम भी मेरा स्वरूप नहीं है। नाम इस जगत में आने पर लोगों ने मुझे पहचानने के लिए दिया हुआ ये नाम है, और उसके साथ मेरा इतना घनिष्ठ परिचय हो गया कि उसी को मैं अपना स्वरूप मानने लगा। अब मेरा स्वरूप क्या है, मेरा नाम ही मेरा स्वरूप बन जाता है। इसलिए जब हम बायोडेटा या CV लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम लिखने लगते हैं कि भाई मैं ये हूं, लेकिन वो तो हूं ही नहीं, वो है ही नहीं मेरा स्वरूप। ये बात समझ में आनी चाहिए। उससे भी आगे जाएंगे, देह की एक परत आती है, उस देह की परत को उतारना है,
उस देह की परत के अंदर जाओगे तो विचारों की परत आएगी, विचारों की परतों को उतारना, विचारों की परत को उतारते उतारते और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो अंदर जाकर के शून्य निर्विकल्पक अवस्था आएगी। वो निर्विकल्पक ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो मैं ये झंझट में क्यों फंसा हूं, ये विकल्पों के जालों में क्यों फंसा हूं, क्यों मैं अपने आप को ये मान रहा हूं कि मैं कुछ हूं या मुझे कुछ करना चाहिए, ये सब काल्पनिक है, सब बाह्य जगत में घटित हो रहा है और वो अंतर जगत में आरोपित होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। उस इकट्ठे हुए परतों को उतारने के लिए पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि स्व का स्वरूप जानो, स्व के स्वरूप को जान करके देखो कि भाई यदि आप निर्विकल्पक हैं तो कोई भी विकल्प आपका नहीं है। विकल्प को स्व मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूढ़ता है। वहीं से मोह उत्पन्न हुआ, वही मोहनीय कर्म बना, वही मोहनीय कर्म बांधता है, वही मोहनीय कर्म के बंधन के कारण जन्म मरण की परंपरा चलती है। उस जन्म मरण की परंपरा को तोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को कहें कि मैं इन सबसे पर हूं, मैं केवल साक्षी हूं, मैं केवल निर्विकल्पक हूं, मैं इन सबसे पर हूं, मेरा स्वरूप न कर्ता का है न भोक्ता का है, मैं न कर्ता हूं न भोक्ता हूं, पर हूं इनसे, मेरे न मेरा अहंकार में हूं न माया में हूं न मान में हूं न लोभ में हूं, उन सबसे पर हूं मैं निरंजन निराकार निर्विकल्पक स्वरूप हूं। इस प्रकार की अनुभूति करने से, इस प्रकार का चिंतन करने से बाहर के विकल्पों से मुक्त होने की संभावना बनती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यदि मैं निर्विकल्पक हूं तो मुझे ये कोई भी बातों में फंसना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ तक आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं, आगे की बात हम अगली बार करेंगे। प्रश्न के लिए मैं नील भाई को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। अब किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जितेंद्र भाई। प्रणाम। अभी आपने बताया मौन का बहुत महत्व है और वाणी को संयमित करने के लिए मौन बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मौन हो सकते हैं लेकिन अंतर्जल्प चालू ही रहता है, तो वो मौन कैसे फायदा करते हैं? बहुत अच्छा महेंद्र भाई, आपने जो बात आज के हमारे स्वाध्याय के संदर्भ में आपके स्वयं के अनुभव के आधार पर जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हमने मौन की बात कही कि वाणी का मौन, यानी आज हम व्यवहार में जो इस बात की चर्चा करते हैं कि मौन हो जाना चाहिए, वो मौन मैंने दो बातें कही। एक तो बोलना नहीं, चुप रहना, वो मौन है, वो मौन बाह्य मौन है और व्यवहार से मौन है। और व्यवहार का मौन वो एक प्रारंभ है, पहला कदम है अंतर जल्प को रोकने का। जैसे हम तैरने के लिए स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में जाते ही हमें सैलो में पहले प्रैक्टिस कराते हैं, फिर डीप में आ जाते हैं। तो सैलो में प्रैक्टिस कराते हैं, किकिंग कराते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे किकिंग करो, इस प्रकार से हाथ से एक्सरसाइज करो, तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर विश्वास पैदा होने लगता है, भरोसा पैदा होने लगता है कि भाई हम आगे भी डीप में जा सकते हैं। तो ये जो व्यवहार मौन है वो हमें अंतर जल्प को रोकने में एक पहला कदम है, जहां हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, जब हम बोलते हैं तो सबसे ज्यादा शक्ति का व्यय होता है, और कार्य की अपेक्षा बोलने में सबसे ज्यादा शक्ति का व्यय होता है। इसलिए बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े वक्ता
जो हर रोज उपदेश आदि देते हैं उनके लिए एक नियम होता है, और जो बड़े कर्मठ लोग होते हैं वो भी, जैसे गांधी जी वगैरह हैं, वो भी सप्ताह में एक बार पूर्ण मौन रखते थे। जब पूर्ण मौन रखते थे तो वो लोग ये अनुभव करते थे कि इससे हमारी शक्ति का संचय होता है, तो मौन शक्ति का संचय भी करता है। अब ये सारी बातें व्यवहार की हुई है, और लाभ भी व्यवहारिक लाभ है, उससे आध्यात्मिक लाभ की दिशा में आगे बढ़ना है। तो जब आप के शक्ति का संचय होता है और अन्य प्रवृत्तियों में आपका इन्वॉल्वमेंट उस दिन के लिए समाप्त हो जाता है, तब आपको ये पता चलने लगता है कि भाई मेरे नहीं बोलने से भी काम अच्छे हुए हैं, यदि मैं यहाँ बोलता तो मेरे काम बिगड़ते। मैं नहीं बोला हूँ तब भी काम तो अच्छी तरह हुआ है, और बोल करके जैसा होना था उससे भी अच्छा हुआ। तो आपको ये समझ में आने लगता है कि बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने से शायद बिगड़ता है या बिगड़ भी सकता है, ऐसा आप समझने लगते हैं। यानी कि जो होना है वो वही होता है, लेकिन हमारे द्वारा हुआ ऐसा कर्तृत्व का जो भ्रम पैदा होता है वो भ्रम मौन से टूटता है। तो एक आंतरिक मौन की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं हम। तब आपको लगता है कि भाई अब इसका विचार करने से क्या फायदा, विचार भी हम धीरे धीरे कम करते जाएं। तो वो अंतर्जल्प की बात वहां शुरू होती है। अब अंतर्जल्प के रोकने के लिए हमने यहाँ जो कहा कि भाई पदार्थ के स्वरूप को हम नहीं जानते पूरा, और जिसको बोल जानना चाहिए उसको मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं क्यों बोलूं, बोल करके मैं क्यों अपने शक्ति का अपव्यय करूं, ये बात सामने आएगी। तो मन के विचारों को भी एक विराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, और जब विचार का विश्राम होगा तब आपको पता चलेगा कि जब विचार रुक जाते हैं तब परम आनंद की अनुभूति होती है। तो उसको आप ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो इतना आसान नहीं है। बहुत प्रैक्टिस के बाद विचारों का शमन हो जाता है, क्योंकि इस जन्म में हमने जब से हम समझने लगे हैं व्यवहार को, पदार्थ को, तब से हमारे विचार की धारा निरंतर बहती रहती है। सोते वक्त भी, सोए हुए भी विचारों की धारा बहती है, इसलिए विचार करना हमारा स्वभाव बन गया है। उसमें से मुक्ति पाने के लिए ये बात कही कि भाई जब आप अंदर ये देखेंगे कि भाई इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और मैं जो सोच रहा हूँ वो भी होता नहीं है, तो मैं क्यों उस पर ज्यादा प्रयास करूँ, प्रयत्न करूँ। और जब आप विचार को रोकते हैं तो परम शांति का अनुभव एक क्षण आती है, एक क्षण। मैं कई बार कहता हूं कि जो विज्ञान भैरव ने, विज्ञान भैरव नाम का, विज्ञान भिक्षु नाम के एक विद्वान ने विज्ञान भैरव नाम की किताब लिखी है, उसमें 112 ध्यान पद्धतियां दी है उन्होंने, 112 अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन के पद्धतियां हैं विज्ञान भैरव में। तो उसमें एक पद्धति बताई है कि जब आप विचार के रुक जाते हैं आपके, तो उस समय परम शांति का अनुभव होता है। न भूतकाल की स्मृति रहे, न भविष्यकाल की कल्पना रहे, केवल वर्तमान ही वर्तमान बचे, तो उस समय परम आनंद की अनुभूति है। उसके दृष्टांत हमने जीवन में देखे हैं, फिर भी हमने उसको पकड़ा नहीं है कि जब आप नया मकान खरीदते हैं तो उसको पहले तो बराबर रंग आदि करवाते हैं, फर्नीचर करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, फिर उसमें रहने जाते हैं। जब पहली बार अंदर पैर रखते हैं तो परम आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आप पुराना छोड़कर आए हैं, पुराना छोड़कर के नए घर में आपने पैर रखा है। अब पैर रखा उस समय भविष्य की कल्पना भी नहीं है, इसलिए उस समय परम आनंद की अनुभूति होती है कि वाह आज बहुत आनंद हुआ, इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतनी सालों की मेहनत के बाद आज मेरी सारी बातें सफल हुई है, और आनंद आता है। लेकिन थोड़ी देर में आपके मन में कल्पनाएं शुरू होने लगती है कि यार ये नया मकान तो बनवाया, ये जो किचन बनवाया है वो थोड़ा छोटा हो गया है, और ये जो डाइनिंग टेबल है वो बहुत बड़ा बन गया है,
ये ड्राइंग रूम है उसमें इतना छोटा, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये कल्पनाएं शुरू हो गई और शांति गायब हो गई। जो शांति एक क्षण मिली वो भी कारण ये था कि पुराना छोड़कर आए थे, नए की कल्पना नहीं थी। क्षण भर के लिए आपको आनंद आ गया और दूसरी क्षण से कल्पना शुरू हो गई कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। उसमें भी कोई पत्नी आकर के, बेटा आकर के, भाई आकर के कह देते कि भाई यहाँ ऐसा किया होता तो कैसा अच्छा रहता, तो और चिंता शुरू हो जाती है और दुख पैदा हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जब एक क्षण आती है विचार रहित अवस्था, वही बात यहाँ निर्विकल्पक की बात कर रहे हैं कि निर्विकल्पक अवस्था आ जाती है हमारे अंदर, न पूर्व भूतकाल की स्मृति रहे, न भविष्य काल की चिंता रहे। वो स्थिति कब आएगी? जब अंतर जल्प भी रुक जाएगा। अंतर जल्प रोकने के लिए यहाँ हमें चाबी दी कि किस प्रकार से हम अंतर जल्प को रोक सकते हैं। अंतर जल्प को रोकने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा और उसमें व्यर्थता का बोध करना पड़ेगा। वस्तु में व्यर्थता का बोध करना आसान है, विचारों में व्यर्थता का बोध करना मुश्किल है। उसके लिए जागृति चाहिए। जागृति आएगी तो विचारों का प्रवाह भी रुकेगा और विचारों का प्रवाह रुकेगा, आनंद की परम अनुभूति होने लगेगी। जी बराबर। और व्यवहार मौन से अभ्यास शुरू कर, हाँ व्यवहार से अभ्यास मतलब सैलो है, वो सैलो से डीप में जाएंगे, डीप में जाएंगे फिर अपने आप अभ्यास हो जाएगा। समझ गया। और विचार मुक्त तो निर्विचार तो हो ही नहीं सकते, हम लोग निर्विकल्प हो सकते हैं। निर्विकल्प विकल्प ही विचार है, निर्विचार स्थिति लाने की कोशिश करना ही वो है निर्विकल्प अवस्था। जी आभार। चिन्मय भाई शाह यू के नाम। या प्रणाम गुरु जी। अगर जैसे आपने बताया कि हमारे जो कषाय है अनंतानुबंधी कर्म जो है, जिसकी वजह से हमारे हम बातचीत करते हैं या एकदम उद्वेग से आके बातचीत करते हैं, लेकिन दूसरा भी एक कारण है ना कि अगर मान ले एक जीव दूसरे जीव के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी शायद वो बातचीत कर रहा है, और जिसकी वजह से वो शायद अपने आप को जीव भी शायद मानने तक वो पहुंच पाए। और जो आपने महेंद्र भाई के क्वेश्चन में बताया कि जो अंतर जल्प है, या इवन पहले भी आपने जो अंतर जल्प की बात की, वहां तक पहुंचने के लिए जो 16 जो आपने मेडिटेशन टेक्निक बताई, उसमें अनापना के सिवाय आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा चीज करने से हमें फायदा हो सकता है कि जिससे हम उस स्टेज तक पहुंच सके कि निर्विकल्प या निर्विचार हो सके? और आपने जैसे बताया निर्विचार होने से सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, ये महसूस किया है कि शांति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सुख की प्राप्ति तक कैसे पहुंचा जाए? चिन्मय भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जैसे मैं एक, मुझे एक घटना याद आती है कि एक ब्राह्मण ने देवी की आराधना की और खुश हो गई देवी। उन्होंने कहा मांग तू, जो मांगे मैं दे दूंगी। तो कहा कि मुझे मेरा पौत्र सोनी की मतलब झूले में झूलता हुआ दिखाई दे और उसको मैं झूलाऊं, वैसी स्थिति चाहिए। वो ब्राह्मण गरीब था, अविवाहित था, बूढ़ा था, तो केवल एक चीज मांगने से उसने बहुत चीजें मांग ली कि शादी भी हो जाए, उनके बच्चे भी हो, उनके बच्चे के बच्चे भी हो जाए, सोने का झूला तभी होगा कि बहुत संपत्ति होगी तभी होगा। तो आपने ऐसा ही किया, एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि सारी चीजें उसमें पूछ ली कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बातें उसने पूछ ली। खैर मैं सबका प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिनमें ही सबसे बड़ी बात पहले आपने सुना उसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि इससे अनंतानुबंधी कर्म का बंद होता है, और बंद होता है उसके बाद उसका विपाक तो होना ही होना है, और विपाक होने के कारण सारी प्रवृत्तियां होती है। अब अनंतानुबंधी बंद होने में ये बताया कि हमारे अनादि काल से परमेश्वर का बोध या परमेश्वर की बुद्धि जो हमारी पड़ी हुई है उसी से कर्मबंध जो होता है वो अनंतानुबंधी होता है, और फिर सारा संसार उसी से शुरू हो जाता है। जैसे एक कंकड़ तालाब में डाला आपने, तो एक कंकड़ से एक वलय पैदा नहीं होता है, अनेक वलय पैदा होने लगते हैं और एक के बाद एक बड़े होते जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि
परमेश्वर का बोध जो मोह के कारण होता है वो अनंतानुबंधी कषायों का, अनंतानुबंधी कर्म का मूल कारण यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी बताते हैं कि परमेश्वर का बोध ये सबसे बड़ी गलत फहमी है और उसको दूर करने के लिए यहाँ उन्होंने समाधि की दशा में जाने की बात कही। अब समाधि की दशा में जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले, आपने शुरुआत के स्वाध्याय सुने नहीं होंगे आप या इसके YouTube में या इसके ऐप में सारे स्वाध्याय है, उसमें सबसे पहले प्रारंभ हमने जो किया था वो यही किया था कि मैं कौन हूँ वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम उसकी उसके जवाब पाने की कोशिश करेंगे तो हमारे सारे मार्ग खुल जाएंगे। उस मार्ग को पकड़ना है हमें कि मैं कौन हूँ उसकी खोज करना। शुरुआत में बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं, उल्टे पुल्टे जवाब मिल सकते हैं, विचित्र जवाब मिल सकते हैं, लेकिन वहां रुकना नहीं है। जो जवाब मिले उस जवाब पर प्रश्न खड़े करने हैं कि क्या मैं, मुझे जो जवाब मिला है सही है या गलत है। यानी कि मैं ये मानू कि मैं चिन्मय हूँ तो क्या मैं सही में चिन्मय हूँ, चिन्मय ही मेरा स्वरूप है। ऐसे पूछते 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 आप अंदर उतरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ उसको पाने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी ने एक बहिर्जल बहिर्वाणी बहिर्वाचन अंतर्जल्प दोनों को समाप्त करने की बात करते हैं कि बहिर्वाच बाहर बोलने से कुछ फायदा नहीं हुआ है। बोलने से खाली आप व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। आम तौर पर तो ये देखा गया है, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि निद्रा है, भय है, आहार है और विहार है, वो सारी क्रियाएं ऐसी है कि जिससे जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, जितना घटाएंगे उतनी घटती जाएगी। निद्रा आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, निद्रा जितनी घटाएंगे उतनी घटती जाएगी, व्यवहार जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, व्यवहार जितना कम करते जाएंगे उतना कम होता जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि घटाना बढ़ाना ये मनुष्य के हाथ में है, लेकिन हमारी दशा, हमारा ज्ञान, हमारा मोह ये कहता है कि बढ़ाओ तो बढ़ते जाओगे, तो विकास होता जाएगा, तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उल्टी दिशा को रोकने के लिए यहाँ उन्होंने बहिर्वाच अंतर्जल्प को रोकने की बात कही। उसको रोकने के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग बताया कि ज्ञान मार्ग से आप आगे बढ़ो। ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि वस्तु के स्वरूप को समझो। वस्तु का स्वरूप समझाते हुए कहा कि भाई क्या आप जो मान रहे वो है या जैसा देख रहे हैं वैसा है, नहीं उससे कुछ अलग है, ये सारा विकल्पों का जाल है, उस विकल्पों के जाल को तोड़ना है। उसके लिए जो मार्ग है वो योग या ध्यान मार्ग कहलाता है। ध्यान के अनेक अनेक मार्ग है, अनेक मार्ग, बहुत सारे मार्ग है। इसलिए मैंने विज्ञान भैरव की बात कही कि विज्ञान भैरव में 112 मेडिटेशन की टेक्निक बताई गई है। 112 मेडिटेशन टेक्निक है, उसमें से कई मेडिटेशन टेक्निक आज लुप्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सारी मेडिटेशन टेक्निकों का वहां संग्रह किया है। हमारे सामने आज जो मेडिटेशन टेक्निक है, हम कायोत्सर्ग भी हमारे मेडिटेशन टेक्निक है, आनापान भी है और ये ज्ञान मार्ग भी है कि हम अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करें। तो हम उसमें से कोई एक मेडिटेशन टेक्निक को अपना करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं और जब उसमें निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो वो आपको निर्विकल्पक दशा तक ले जाएंगे। निर्विकल्पक दशा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो बात कही है निर्विकल्पक दशा, वो वास्तव में वहां तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। केवल मुंह बंद करके, आंखें बंद करके बैठ गए और मानने लगे कि भाई हम बहुत बड़े निर्विकल्पक हो गए, तो वो हमारी मिथ्या भ्रमणा है, खोटी भ्रमणा है, खोटा भ्रम है। यहाँ जो हमें करना है, जो अर्जुन मांडी का दृष्टांत दिया था वो इसीलिए दिया कि जब बाहर की वाणी से कोई फर्क नहीं पड़ा तो अंदर ही अंदर वो इतना तीव्र रूप से
कोसने लगा, यक्ष को कोसने लगा, अपने आप को एकत्रित करने लगा कि मेरे पास यदि आज शक्ति होती तो मैं सबको मार डालता, सबको ये कर लेता। तो अंतर्जल्प शुरू हुआ, अंतर्जल्प का जब कॉन्सेंट्रेट हो गया तो शक्ति केंद्रित हो गई और इतनी ज्यादा शक्ति केंद्रित हुई कि उसने अपने बंधनों को तोड़ दिया। तो अंतर्जल्प में कितनी शक्ति है वो हमने कभी सोचा ही नहीं है, वो सोचेंगे तब पता चलेगा। तो वो संसार की वृद्धि का कारण बन जाती है वो शक्ति, हमें उसको भी शांत करना है, आत्मिक शक्ति को जगाना है। आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए निर्विकल्पक बनना है। निर्विकल्पक के लिए ये एक टेक्निक बताई, इस टेक्निक से आगे बढ़ सकते हैं। अनेक टेक्निक है, अनेक टेक्निक में से किसी एक टेक्निक को आप अपना सकते हैं। निर्विकल्प यानी अशुभ विकार ना आना कि विचार ही ना आना? हाँ, बहुत अच्छा। विकल्प तो विचार है, विकल्प मतलब बहुत सारे विचार प्रवाह धारा है। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि नायग्रा का धोध पड़ रहा है, नायग्रा फॉल्स है, उसमें जिस तरह से पानी निरंतर बहता है, गिरता है, उसी तरह विचारों की धारा हमारे अंदर बह रही है। जब आप शांति से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि विचार कितने प्रभावित हमारे जीवन को कर रहे हैं और वो दिखाई देने लगेंगे। और उस विचारों का शमन करना वो विकल्प, विचार यानी विकल्प है, उस विकल्प को शांत कर देना वो निर्विकल्पक है। मतलब शून्य हो जाना, कोई भी विचार न रहे, एक भी विचार से रहित दशा आ जाए, वो निर्विकल्पक है। थैंक यू, प्रणाम जी। प्रणाम। मारो प्रश्न ये है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अगर अपनी वाणी को बहुत ही संयमित करते हैं तो आपको गलत समझा जाता है कभी कभी कि आप लोगों से मिलते नहीं हो, अतड़े हो गए हो, सामाजिक प्रसंग को हैंडल नहीं करते हो, ये सब चीजें आती है। कई बार हम लोग उस जगह पे होते हैं, हमारी वैखरी वाणी तो चालू रहती है लेकिन अंदर से हम लोग समझते हैं कि मैं ये व्यर्थ बोल रहा हूं। तो प्रश्न ये है कि वैखरी वाणी चालू हो और अंदर जल अगर बंद हो गया है तो ये संभव है कि हम लोग सतत सोचे उस टाइम मैं व्यर्थ में बोल रहा हूं और अंदर जल को मैं विराम दे, अंदर जल को मैं स्वीकार करता हूं। दुष्यंत भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे विकल्प हैं वही हमें फंसाते हैं अंदर। एक तरफ हमारी आध्यात्मिक साधना शुरू होती है तो हमें पता लगने लगता है कि भाई बाहर के व्यवहार, बाहर की वाणी, बाहर के विचार आदि सब व्यर्थ है, तो हम उससे कट ऑफ होने लगते हैं। लेकिन परिवार को ये होता नहीं है क्योंकि परिवार इस बात को सह नहीं पाता है, तो वो बार बार हमें कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। और ये जो संक्रमण की स्थिति, ये मतलब संक्रमण का काल है जिसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है कि उस समय हम एक तरफ से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संपूर्ण छूटा नहीं है और अंदर थोड़ी घनी भी लालसा बची हुई है। लालसा भी छोड़नी ही है, हमें पता तो चल गया है कि इस लालसा को भी छोड़ना है, लेकिन उस समय ही इस प्रकार के प्रलोभन पुनः लालसा को पानी पिला देते हैं, वो फिर पुनः वो जीवंत होने लगती है। तो मन हमें क्या उस समय समाधान देता है कि भाई ठीक है, परिवार को खुश रखो, वो भी जरूरी है, परिवार के साथ रहना है तो परिवार को खुश रखना जरूरी है। लेकिन आपने कभी एक सोचा भी नहीं है कि आपको खुश रखने के लिए परिवार कुछ भी नहीं छोड़ता है। जो छोड़ने की बात आती है वो हमारे अंदर पड़ी हुई लालसा के कारण हमें परिवार को खुश रखने का एक बहाना मिल जाता है, इसलिए हम फिर से फंसते जाते हैं। तो यदि आप सही अर्थ में वैराग्यवान या सही अर्थ में अंतर्जल्प को छोड़ना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि भी मेरे चुप रहने से या बोलने से परिवार को कोई विशेष लाभ नहीं है, परिवार को खुश रहना है इसलिए मेरे से बुलवा रहे हैं, परिवार को मेरे बोलने से नहीं बोलने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन परिवार को खुद को अपने अपनी दशा समाज में स्थिर करनी है इसलिए आपसे बुलवा रहे हैं,
ये दशा जब समझ में आ जाएगी तो आपका वाणी का या अंतर जल्प अपने आप स्थगित होने लगेगा। तो ऐसे प्रलोभनों से बचना चाहिए और कुछ समय के बाद परिवार भी स्वीकार कर लेगा कि भाई हाँ इनका यही विचार है, तो हम उनको डिस्टर्ब ना करें, हमारे साथ रहते हैं अच्छा है, अपनी आराधना करते रहें और हमारे साथ रहें, यही सबसे बड़ी बात है। मेरा प्रश्न दूसरा है कि अंतर जल बंद हो, हम सजाग हो, मैं व्यर्थ बोल रहा हूँ और व्यक्ति उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं रह गया उसका जवाब कि अंतर्कल्प हो जाए बंद और फिर बाहर कोई भी व्यवहार होता रहे तो आप उससे अलिप्त ही रहेंगे, तब आपको कोई चिंता की बात नहीं रहती। આજનો સવારથી મને એક પ્રશ્ન ઉજવતો હતો, એનો જવાબ તમે મને આ સત્સંગમાં આપ્યો કે ભાઈ એક સવારના સાધનાને બધું કર્યા પછી એક વિકલ્પ ઉઠ્યો અને વિકલ્પ કોઈ અશુભ નહોતો, વિકલ્પ જ હતો માત્ર, અને એનું ચાલ્યા જ કરતો હતો, કન્ટિન્યુઅસલી ચાલ્યા કરતો હતો, અને તદ્દન તરત જ મને અંદરથી એક ભાવ આવ્યો કે આ તો વિભાવ છે અને તારે વિભાવમાં તો જવાનું નથી, તારે તારા સ્વરૂપનું ચિંતન કરવાનું છે। હવે એ વિભાવ એ બોધ આવ્યો પછી થોડો વખત હું શાંત થઈ ગઈ, પછી પાછું એ શરૂ થયું, તરત જ મને બીજો વિકલ્પ આવ્યો કે પરમાત્મા હું શરણું લઈ લે હવે, કારણ કે જેને એ બધું ત્યાગ કર્યો છે એનું શરણું તને એમાંથી બહાર કાઢશે। તો તરત મેં મંત્રનો જાપ શરૂ કર્યો, એટલે એ મંત્રનો જાપ ચાલતો ત્યારે એકદમ ધીરો એકદમ હલકો શો પ્રકાશ જેમ આવે તેમ એવી રીતે પેલો જાપ, પેલું ચિંતન, પેલો જે વિકલ્પ હતો એ પણ પાછળ મને દેખાતો હતો। પછી તરત જ તમારો સત્સંગ વખતે આ બધું મારું ચાલુ હતું પ્રયોગાત્મક, ને ત્યાં તમે બોલ્યા કે સાક્ષી મારા સાક્ષિત્વ કરવાનું છે, તો એ સાક્ષી પણ અઘરું લાગ્યું મને એ વખતે, કારણ કે મને પેલું પાતળો પડદો દેખાતો હતો એ વિકલ્પનો, અને વિકલ્પ જે હતો એના માટે ચિંતન ચાલ્યું કે આ તો બધું નિરર્થક છે। અને હમણાં તમે જવાબ આપ્યો કે પરિવાર તમને કઈ સુખ નથી આપવાનો તમારા બોલવાથી કે નથી બોલવાથી, એને સુખ જોઈએ છે એટલા માટે તમે બોલો છો, પણ ખરેખર તો એ મારી મોહદશા છે, એટલે એ જે મોહ છે તે જ મારું અનંતાનુબંધી છે, એટલે હું સતત આપણે મોહમાં જ ફસાયેલા છીએ। અને એમાં તમે પાછું એક વાક્ય બોલ્યા કે જે વિકલ્પ છે બહાર બાહ્ય કે અંતરના એ બધા ભાષા વર્ગણાના પૂતગલો છે, તો હું ક્યાં ભાષા વર્ગણાના પૂતગલ છું, અને એ જ મારું મોટા મોટું મિથ્યાત્વ છે। મેં મારું સ્વપણું મેં મારી ભાષા ઉત્પલના પરમાણુમાં અણુ પરમાણુમાં માની લીધું, આ તો જાણે ટ્યુબલાઇટ થઈ એવું લાગ્યું મને, શાસ્ત્રમાં વાંચતા હોઈએ સાંભળતા હોઈએ પણ આ અત્યારના જે થયું ને, એક કે એક વસ્તુ કઈ જ્યાં કઈ જ મારું છે જ નહીં એ જ અવસ્થા મારી છે, આ ભાષા વર્ગના પૂતગલોથી મને આમ એકદમ જ એ કરી નાખી છે કે એક એક વાક્યમાં હું પણ રહેલું છું મારું બોલવામાં જે મારું સ્વરૂપ નથી। જીતુભાઈ આના આ તો મારા ભાવો મેં તમને વ્યક્ત કર્યા છે, આના માટે તમે થોડો પ્રકાશ પાડો। આશ્રમેન આગલી વખતે લઈ લઈશું, આખો સમય ઘણો થયો છે અને ઘણું સમજાવવું પડ્યું છે, તો આખું આવતા વખતે લઈ લઈશું। અભી દો પ્રશ્ન ઓર હે નીલભાઈ, દોનો કા લે લે કે ક્યા કરે, જૈસે કહો આપકી સમય કી જૈસે લઈ લેતે હૈ દોનો કા। એક ઓર સંગીતા બેન ને હાથ ઊંચા કિયા થા પર હેન્ડ રેઈઝ કિયા થા લેકિન વો ઉન્હોને છોડ દિયા હૈ। સંગીતા બેન લાઈન પર હો તો ઉનકા ભી લે લેતે હૈ। ઠીક હૈ, ઓર એક મોન્ટુ જી પટવા, મોન્ટુ જી આપ પૂછ સકતે હો। પ્રણામ ગુરુજી, મેરા એક છોટા સા પ્રશ્ન હૈ કી જબ હમ બાત કરતે હૈ વિચાર યા ભાવ ઓર ઉસકે સાથ કરતે હૈ અશુભ વિચાર યા શુભ વિચાર, શુભ ભાવ યા અશુભ ભાવ, લેકિન ક્યા કોઈ એસા વિચાર યા ભાવ એસા હો સકતા હૈ જો ના શુભ હૈ ના અશુભ હૈ, બસ બોલા યા સોચા, એસી કોઈ શ્રેણી માં આ સકતા હૈ ક્યા કોઈ ભાવ યા વિચાર? विचार की दशा जब विचार शुरू हो जाते हैं तो विचार का मतलब ही है कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, उसके बिना विचार आएगा नहीं। जब हम स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो विचार को विराम मिल जाएगा, विचार का विश्राम हो जाएगा।
हमारा लक्ष्य विचार के विश्राम तक पहुंचने का है, और विचार के विश्राम तक पहुंचने के लिए हमें केवल अशुभ विचार को छोड़ना और शुभ विचार को पकड़ना क्या करना चाहिए, वो प्रश्न बनता है। और उस प्रश्न के लिए कहते हैं कि सबसे पहला मार्ग है कि अशुभ उपयोग जो है हमारा, अशुभ उपयोग, अशुभ विचार का मतलब है जहां से अशुभ उपयोग होगा अशुभ विचार शुरू होगा, अशुभ विचार शुरू होगा तो फिर उसकी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अशुभ विचारों को रोकना, अशुभ विचारों के अशुभत्व को जान लेना, मतलब जागृति, ये रोकने का मतलब है जब आप जागृत हो जाएंगे तो रुकने लगेगा, लेकिन आप उसको रोकने का प्रयास करोगे तो वो तीव्र बनता जाएगा, वो और जोर से बाहर निकलेगा। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जागृत होने की। तो पहली बात है कि अशुभ के प्रति जागृत होना, जब अशुभ के प्रति जागृत हो जाएंगे तो शुभ की धारा बाकी बचेगी, वो शुभ में प्रवृत्ति ज्यादा तीव्र बनेगी, वो शुद्धोपयोग है। अशुभोपयोग से मुक्त होकर शुभोपयोग में जाना, यानी शुभ विचारों में रहना, शुभ विचारों से भी में निवृत्त होना है, वो शुद्धोपयोग है। मतलब जो हमारा स्वरूप में स्थिर होना, मतलब जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसी का अनुभव करना, वो निर्विचार अवस्था है। मतलब वहां कुछ बाहर से लाई हुई, उधार लाई हुई धारा नहीं बहेगी, अब स्व के अंदर ही स्थिर हो जाएंगे, निर्विचार होंगे, शुद्धोपयोग उसको कहा है शास्त्रीय भाषा में कि वो शुद्धोपयोग होगा। तो अशुभ योग, अशुभोपयोग को दूर करना, शुभोपयोग में रहना, शुभोपयोग की प्रवृत्ति बढ़ाते बढ़ाते शुद्धोपयोग तक पहुंचना, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है मोंटू जी? हाँ प्रणाम, धन्यवाद। ओके ओके संगीता जी, एक अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं संगीता जी। हैं, जुड़े हुए हैं संगीता जी? हाँ हाँ संगीता जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। एक क्वेश्चन तो ये था कि मौन जो रखते हैं तो यदि एकांत में मौन रखा जाता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है, जैसे प्रैक्टिकली बता रही हूँ, तब मैं मौन करती हूँ तो मुझे तब ऐसे फैमिली के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है। पर यदि कुछ जैसे विचार आते हैं तो उसको रोकने के लिए जैसे कुछ नौकार मंत्र है या वस गरम है वो करते हैं, तो क्या वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, आप विचार से विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शुभ विचार से अशुभ विचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शुभ विचार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शुभ विचार बढ़ता जाएगा वैसे पता चलने लगेगा कि ये विचार भी मुझे छोड़ना है, तो वो निर्विचार की स्थिति में आगे बढ़ेंगे। पर शुरुआत जैसे आप कर रहे हैं वो अच्छी है, और इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे और अनुभूति होगी। पर जैसे सबके साथ रहकर मौन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाहर से तो जैसे ऐसा मतलब महसूस होता है कि अपना मौन ही है, पर जैसे कुछ घटना घटती है, जैसे कुछ हुआ ऐसा, मतलब कुछ राग द्वेष का नहीं, पर जैसे कि कुछ मतलब किसी बच्चे को लग गया या कोई रोने लग गया तो फिर अब ऐसा अंदर से कुछ विचार आने लगता है, तो उसपे कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी ये बात है कि जब खुद को पहचानने का आपने बताया, तो जब खुद को पहचानने का जो ट्राई करते हैं अंदर से मौन के अंदर, तब तो ऐसा ही फील होता है कि मैं मतलब आई एम द मतलब अच्छी हूँ, मतलब और कुछ ऐसे विचार नहीं आते, तो ये तो ठीक नहीं है ना, अपन 100% तो अच्छे नहीं होते हैं। नहीं, पहले सबसे आज जो हमने बात कही वो सबसे प्रारंभ की प्रक्रिया है कि आप मौन शुरू कीजिए, 1 घंटे का 2 घंटे का 1 दिन का, ऐसे अभ्यास बढ़ते बढ़ते जैसे आपका शुरुआत में एकांत में रहकर आप अभ्यास करेंगे मौन का, फिर सबके साथ रह करके मौन का अभ्यास कीजिए, तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो मौन
का पालन करने में कितना प्रॉब्लम आता है, उस प्रकार के अभ्यास से धीरे धीरे आपके क्षमता बढ़ती जाएगी। क्षमता बढ़ते बढ़ते आपको ये भी पता होने लगेगा कि भाई मुझे किस तरह से मौन का अभ्यास करना है। और बाद में जब विचार पर बाद में आइए, पहले बाहर से मौन करने की कोशिश कीजिए। मौन जितना भी अधिक अभ्यास करेंगे उतना लाभ होता जाएगा, और बाद में विचारों पर आइए। विचार की स्थिति में जब ध्यान लगाने के लिए कोशिश करेंगे तो विचार धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। तो अभी इतना एकदम जल्दबाजी मत कीजिए, जितना कर रहे हैं उतना सही कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए। ओके थैंक यू सर। ओके ठीक है। सो जीतू भाई इतने ही प्रश्न लेते हैं, अगले प्रश्न हम नेक्स्ट कक्षा के अंदर लेंगे, ठीक है? ओके तो इसी के साथ हम आज की सेशन की विराम की ओर बढ़ते हैं। और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव भूये सु वैरम मज्जन केण सर्वथा सौ सुखी था ओ पाप ना कोई आचरो राग द्वेषति मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो। प्रणाम प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।